बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज का दिन भी हंगामेदार रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद माइक तोड़ने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान को आज से 2 दिनों के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि लखेंद्र पासवान वैशाली के पातेपुर से भाजपा के विधायक। बिहार में सेविका और सहायिका को मानदेय बढ़ाने के लिए हमने विषय उठाया था। बिहार में जो SC ST समाज के जो छात्र है उसको पोस्ट ग्रेजुएट योजना स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया है, उसको लाइक करने उसको लागू करने के लिए उठाया था और इस सब विषय पर मैं प्रश्न किया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का हमको अधिकार है और मेरा माइक बंद कर दिया गया। अब माइक केवल हमने यह कहा भाई माइक बंद है और हम प्रश्न के जवाब देना मेरा अधिकार है, जिसलिए पातेपुर के महान जनता ने भेजा है। अब आपको 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया, अब आगे क्या करेंगे? यदि बिहारों के दलितों के आवाज उठाना उसके हित में उठाना यदि गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ। अगर बिहार में सेविका और सहायिका को मुद्दा उठाना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ। यदि बिहार में बिहार के विकास में या पातेपुर के विकास में जनहित के मुद्दा को उठाना गुनाहगार है तो मैं गुनाहगार हूँ। इसके लिए 2 दिन ही नहीं, मुझे 200 दिनों तक करके निष्कासित किया जाता है, तो बिहार के जनता के लिए मैं 200 दिनों तक निष्कासित हूँ। बिहार में आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर हंगामा कर रहा है, बीजेपी नहीं चाहती है कि विधानसभा सुचारू रूप से चले, इसे लेकर जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा था। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान की ओर से माइक तोड़ने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अब वह लोग संसदीय प्रणाली के खिलाफ माइक बेंच तोड़ने का काम कर रहे हैं और सदन के बाहर भी अब वह झगड़ा पे उतारू है। सभी बातें आके सदन के भीतर उनको कहनी चाहिए, जो बाहर आकर के वो कह रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, लगातार बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, लखेंद्र पासवान कह रहे हैं कि तरफा कार्रवाई करी जा रही है, माइक उन्होंने तोड़ा ही नहीं। सच ये है कि पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन के भीतर व्यवस्थित तरीके से सदन नहीं चले, इसके लिए अपमानजनक तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सत्ता पक्ष के कई सदस्यों पर लगातार कर रहे थे और वह ज़्यादातर सदस्य असंसदीय हैं जो हम मीडिया के सामने नहीं बोल सकते, दोहरा सकते। यह आज सीमा पार करके बिना वजह हाउस के संपत्ति को तोड़ देना जबकि कोई विषय भी नहीं था, यह दुर्भाग्य। बिहार विधानसभा के पोर्टिको में हंगामे को देखते हुए विधानसभा के अध्यक्ष को भारी सुरक्षा के बीच निकाला गया। वहीं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि हम विधानसभा का बहिष्कार करते हैं, जब तक हमारे विधायक को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम विधानसभा नहीं आएंगे। हमारे माननीय सदस्य कई विषय पर कार्य स्थगन दिया था, अपराध और भ्रष्टाचार पर। आसन ने कहा कि आप समय पर उठाएंगे, हम सदन चलाना चाहते हैं और हम लोगों ने आसन की आदेश को मान करके प्रश्नकाल में अपनी भागीदारी शुरू की और हमारे माननीय विधायक लखेंद्र रोशन जी ने जब प्रश्न उठाया और प्रश्न की जवाब के बदले सत्ता पक्ष से जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया गया और इसके पहले भी बार बार RJD के एक माननीय सदस्य उठ करके धमकी की भाव में बार बार देते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, उनके नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो चपरासी क्वार्टर से महल तक पहुंचे हैं उसकी जवाब देना नहीं चाहते और संवैधानिक संस्था पर अंगुली उठाकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आज सदन में वो गुंडागर्दी अब दिखाने लगे हैं, प्रश्न पूछने पर धमकाना और आसन की ओर से कार्रवाई की धमकी देना ये लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है।